हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय सेल्फ जैक्सन, योर फिजिक्स टीचर। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू टॉपिक, ह्यूमन आईज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेसन टू। स्टूडेंट, कुछ सिलेबस आपको पता है कि शॉर्ट कर दिया गया है, 30% सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। तो रियल में ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड जो है उसमें वो टॉपिक हटा दिया गया है। हाँ, कुछ समथिंग यानी कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है। इसमें से ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको श्योर पूछा जाएगा। पावर पूछी जाएगी और डिजीजें पूछे जाएंगे और किस लेंस का यूज करेंगे, किस पावर यूज करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन इससे बन जाते हैं लिखने के लिए स्टूडेंट। तो आप कुछ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन आईज, मानव नेत्र, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बोर्ड पे, और फंक्शन कैसे ये वर्क करता है। हम हर चीज एक एक पॉइंट करके स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन आईज, सबसे पहली बात ह्यूमन आईज की बात करते हैं। तो ह्यूमन आईज क्या होता है, देखो स्टूडेंट, ये मसल्स का बना होता है, ये हार्ड होता है और इसमें लेंस लगे होते हैं जिसके हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आईज की हो गई। तो ये आईज आपका तभी वर्क करेगा जब इसको लाइट मिल पाएगा, इसलिए लाइट चैप्टर रखा गया है। ये लाइट चैप्टर रखा गया क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है। जब तक इस आइस पे कोई लाइट नहीं पड़ेगा ना, आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो अब देख लेते हैं हम लोग इसके आगे का। इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं, हेडिंग दिख रहे हैं, एक एक करके मैं स्टेप बाई स्टेप समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ये जो आई होता है स्टूडेंट, आई क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, ये स्फेरिकल फॉर्म में है, ये हालो स्फेरिकल होता है, खोखला गोला होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर का जो होता है, ये जस्ट लाइक कैमरे की तरह होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाना होता है तो इसका इमेज इसके पीछे और इसके रेटिना पे बनता है। ओके, ये रेटिना जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर अपने रेटिना पर बना देता है। इसका जो पिक्चर या इमेज है वो रियल ऑब्जेक्ट के क्या अपोजिट बनता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, हम बात करते हैं ह्यूमन आईज की। तो सबसे पहले पार्ट आ जाता है, ये पूरा ह्यूमन आईज का स्ट्रक्चर है और ये जो आप सबसे आउटर साइड का एरिया दिख रहा है, ये आउटर साइड स्टूडेंट, ये जो आउटर साइड का हिस्सा है इसको बोलते हैं आई वॉल। क्या बोलते हैं बच्चे, आई वॉल बोलते हैं इसको, आई वॉल। आई वॉल इट इज वेरी हार्ड पार्ट फॉर आवर आईज, ये हमारे आंखों का सबसे हार्ड पार्ट होता है, जस्ट लाइक स्कल। आप स्कल देखते हो ना, स्कल क्या करता है, ब्रेन में जो सारे हमारे मसल्स होते हैं उसका क्या करता है, ये कवर किया रहता है और उसको सेव रखता है, बहुत हार्ड होता है ना। सेम मैनर में जो आई वॉल है वो काफी हार्ड होता है, क्या होगा स्टूडेंट, हार्ड होता है और ये अंदर सारे इंटरनल फंक्शन क्या करता है, सेव रखता है, सुरक्षित रखता है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसे क्या बोलेंगे, आई वॉल बोलेंगे। और आई वॉल सबसे इंटरनल से आउटर पार्ट होता है, क्या होता है स्टूडेंट, आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। आई वॉल का हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट में, सेकेंड कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमारा है दूसरा, कॉर्निया के रूल्स फॉर आईज। तो हम जान लेते हैं कॉर्निया के बारे में।
करती है, क्या करती है, एंट्री करती है, और ये लेग्स के आउटर साइड में बाहर की तरफ क्या होता है, तारिया मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारा तारिया हो गया। अब आते हैं ट्रूपिस की बात, तीसरा पॉइंट। ट्रूपिस क्या होता है, इसका नाम, इसको हिंदी में नेत्र तारा बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं ट्रूपिस, कुछ भी इसको बोलते हैं। आंखों के एकदम ठीक बीचों बीच जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, उसके सेंटर पे ये क्या होता है, यहाँ मौजूद होता है। ये जब छोटा स्पॉट होता है ब्लैक कलर का, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट, अगर अचानक लाइट बहुत तेजी से आके आंखों पर पड़ता है ना, तो इसकी साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। क्या होती है, छोटी हो जाती है। अगर लाइट कम हो, अंधेरा हो, तो ये अंधेरे में क्या होती है, इसकी साइज बड़ी हो जाती है। यानी कि लाइट के इंक्रीज और डिक्रीज करने से इसकी साइज भी क्या करती है, इंक्रीज और डिक्रीज। जब लाइट इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगी, डिक्रीज, और जब लाइट डिक्रीज करेगा साइज क्या करेगा, इंक्रीज। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है ट्रूपिस की। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा स्टूडेंट है आयरिस। आयरिस क्या होता है, आयरिस की बात होता है। तो जो आयरिस होता है स्टूडेंट, अगर बात करें तो आयरिस है ये कार्निया और लेंस के बीच का भाग है, ये मिडिल भाग है। क्या है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड है, बीच में है इसके, ये लेंस और कार्निया के बीच में पाया जाता है। ये इसके जो मसल्स होते हैं वो संकुचित होते हैं, और ये ब्लैक स्पॉट टाइप का होता है, इसे बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं, आयरिस। ये ऑब्जर्व कर लेता है लाइट को, ओके, तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट आयरिस। ये लेंस और कार्निया के मिड पॉइंट पे पाया जाता है। फिर ये हो गया हमारा आपका आयरिस का। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पाई वाला लेंस। अब लेंस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूँ पिछले वीडियो में, जो लेंस मैंने मिरर में पढ़ाया था ना क्लास में, कि वही लेंस की बात की जा रही है, कि वही लेंस है स्टूडेंट। और लेकिन ये लेंस थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है, ये ह्यूमन में लगता है, तो ये लेंस भी काम वही करेगा, ये लाइट के डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, जब लाइट किसी लेंस पड़ता है तो ये क्या होता है, डायरेक्शन मूव करा देता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखो उसी तरह दिख रहा होगा, ये स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस ही मानते हैं इसको, ओके। फिर क्या मानते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये डबल कॉन्वेक्स होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, द्विउत्तल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसमें कोई भी रे पड़ेगी तो ये डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है ना, इसका कॉर्नर साइड क्या होगा, ठीक, और मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक। देखो यहाँ के एरिया चौड़ा है, यहाँ के एरिया कम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फाइव हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट सेवन सिक्स, रेटिना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईज। आईज का ये मेन पार्ट है, क्योंकि कभी भी कोई भी रे मान लो एंट्री कर रहा है, तो वो रे इधर से आ रहा है तो कहाँ मिलता है, रेटिना पे। कोई भी रे आके कहाँ मिलेगा, रेटिना पे। तो जब रेटिना पे आके लाइन ऐसे आके मिलता है ना, तभी ऑब्जेक्ट में दिखाई देता है, वरना दिखाई नहीं देता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा स्टूडेंट। यही जो पूरा एरिया है, ये एरिया क्या है, इसी बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बेटा, रेटिना बोलते हैं। ठीक है ना, रेटिना पे ही किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है या दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये क्या है, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट जस्ट लाइक सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा पार्ट है ये। अगर इस एरिया में लाइट पड़ेगा स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देगा, एकदम सटीक दिखाई देगा। ठीक है, इस एरिया पे लाइट नहीं पड़ता नहीं है, अगर पड़ भी जाता है तो समझ लो कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एकदम क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट होता है। ये होता है येलो स्पॉट होता है।
एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइट पड़ते ही एकदम अच्छा दिखता है। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग एट्थ में ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये हमारे दोनों आई के ठीक बीचों बीच का जो नर्व सिस्टम गया है, ऑप्टिक नर्व गया है, ये एरिया में क्या होता है, ब्लाइंड होता है, अंधेरा होता है, डार्क होता है। ये क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है, यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है। जब लाइट कोई आके यहाँ से आके यहाँ पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया में लाइट पड़ने से कोई अगर अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रे आके यहाँ मिल रहा है, अगर इस एरिया पड़ता है, अगर आके नहीं मिल रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो भी आपके दिखाई देगा। बस ये थोड़ा अंधेरा होता है और रेटिना पे नहीं पड़ के वो भी स्पॉट पड़ जाता है, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु बोलते हैं। ये हो गया येलो स्पॉट, यहाँ भी लाइट पड़ती है, ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। क्या है अब ये हो गया ऑप्टिक्स नर्व, नए वाला ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो कुछ नसें जो नर्व होती है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो ये जाके किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन से। ये स्टूडेंट ब्रेन से जाके कनेक्ट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। जो हमारे आई से कुछ नर्व है वो ब्रेन से जाके कनेक्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। आई होप सो आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा, और ये जो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, बताया है, आप लोग बस नहीं तो होगी इस स्ट्रक्चर को एक बार देख के इस वीडियो को देख लेना, और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला है उसको पढ़ लेना। और इतना ही मुझे बताना था, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये बेसिक थियरी के बेस पे है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।